हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तारिक, आप देख रहे हैं एसएमडी टेक एंड व्लॉग। और एक बार आज हम फिर से आए हैं गाजियाबाद फैक्ट्री के अंदर। मैं फैक्ट्री शोरूम में मौजूद हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं एटीएम मिल्क मशीन। तो चलिए मिलते हैं यहां के सेलर से, हसन भाई से। तो हसन भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। सर आज हम आपको दिखाने वाले हैं मिल्क वेंडिंग मशीन, जिसको मिल्क एटीएम भी हम लोग बोलते हैं। ये मिल्क वेंडिंग मशीन हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इसको हम लोग मिल्क एटीएम भी बोलते हैं। इस मशीन के बारे में मैं आपको आज सारी डिटेल बताऊंगा। आइए मैं आपको इस मशीन के फायदे बताता हूं। ये मशीन आप किसी भी सोसाइटी के बाहर खड़ी कर सकते हैं। इस मशीन को आप गाड़ी पे जैसे बुलेरो या छोटा हाथी, इन पर भी फिट करा सकते हैं। आजकल क्या है, गवर्नमेंट ने एक बैन किया है प्लास्टिक बैन, तो आगे वाले समय में हो सकता है कि आपके दूध की थैली या पाउच जिसमें दूध पैक्ड आता है वो भी बैन होने के चांसेस हैं। तो उसके लिए ये सोचते हुए हमने ये मशीन डिज़ाइन की है। ये मशीन आप वेरियस सोसाइटीज़ के बाहर गेट पे आप लगा सकते हैं, और एक लड़के को सिर्फ आप खड़ा कर सकते हैं, और बाकी सारा आपके जो है मोबाइल ऐप पर सारी उसकी रिकॉर्डिंग सब कुछ, कितना सेल हुआ, कितना मिल्क, कितनी मनी कलेक्शन हुआ, सब आपके मोबाइल पर ऐप के द्वारा पूरी सूचना आपको मिलती रहेगी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम अपने मोबाइल की एप्लीकेशन के थ्रू जान सकते हैं कि कितना मिल्क इसमें से सेल आउट हो चुका है और कितना मिल्क बाकी है, कितना आपके पास मनी आया, सारा चीज इसमें जो है हम आपको बताएंगे कैसे कैसे सारी चीज होती है। जिसमें जो है दो सिस्टम लगाए गए हैं, ये है नोट एक्सेप्टर और ये है क्वाइन एक्सेप्टर, और ये है मिल्क वेंडिंग मशीन जो के कार्ड से भी ऑपरेट होती है। क्या होता है, जैसे आपके पास मेट्रो कार्ड है, ये मेट्रो कार्ड की तरह एक कार्ड हम आपको इश्यू करेंगे। वो कार्ड पे आप यहाँ दिखाकर इसके सामने उस कार्ड का के ऊपर आपका रिचार्ज हो जाएगा। आप हमें हमारे बंदे को पेमेंट दीजिए 500 रुपीज, वो 500 रुपीज का आपका कार्ड में रिचार्ज कर देगा। 40 रुपीज हमने सेट किया हुआ है, मतलब 40 रुपए का 1 लीटर मिल्क आपको मिलेगा। तो अगर आप इसमें 100 रुपीज सेट करते हैं तो 100 रुपीज के हिसाब से आपको 2.5 लीटर मिल्क आपको मिल जाना चाहिए। अगर आप 100 रुपीज यहाँ पे कार्ड स्कैन करके 100 रुपीज यहाँ पे डालेंगे और ओके करेंगे, तो आपको यहाँ से इस नोजल के थ्रू 2.5 लीटर दूध आपको इस जग में आ जाएगा। और उसकी कैलकुलेशन के लिए हमने यहाँ पे वे मशीन लगा रखी है। ये वेट मशीन है जो मिल्क को वेट करेगी, और इसमें क्रॉस चेक होगा एक तो वेट मशीन के द्वारा, और एक यहाँ पे लीटर से जो ये सेंसर लगा हुआ है ये लीटर से दूध आपको देगा। मतलब ये दो जगह से मतलब डबल चेक होगा, डबल चेक होगा आपको दूध 2.5 लीटर यहाँ पे लीटर्स में कैलकुलेट हो रहा है। हाँ जी, इस जगह और यहाँ पे आपको जो है दूध वेट के हिसाब से ये वेट मशीन कैलकुलेट करेगी। हाँ जी, अब इसमें हम आपको दिखाते हैं ये नोट एक्सेप्टर किस तरह वर्क करता है। देखिए यहाँ पे जो है क्रेडिट लिमिट आई हुई है 3715 रुपये, मतलब इस मशीन में जो है 3715 रुपये डिपॉजिट हो चुके हैं। अभी हम आपको यहाँ पे 500 का नोट इस मशीन में डाल के दिखाएंगे तो यहाँ पे जो है क्रेडिट बढ़ जाएगा। ये देखिए, ये 500 रुपये मैंने नोट एक्सेप्टर में डाले, ये अंदर गए 500 रुपीज, और यहाँ पे जो है क्रेडिट हो गया 4215 रुपये। 3715 में उसने 500 रुपीज ऐड कर दिए और जो है इसमें क्रेडिट हो गए 500 रुपीज। तो यहाँ पे आपको सारा कैलकुलेशन मिल जाएगा, और यही कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। यही कैलकुलेशन, यही सारा क्रेडिट, कितना दूध इसमें से वेंडिंग आउट हुआ, वो सब आपके मोबाइल पर भी SMS और ऐप के द्वारा, एक ऐप है वो ऐप हम आपको बता देंगे, वो उस ऐप के द्वारा आपके मोबाइल में भी सारी चीज आती रहेगी। मतलब टाइम टू टाइम अपडेट होता रहेगा, पर कस्टमर वाइज अपडेट होता रहेगा जी, कि आपने कितना मिल्क सेल कर चुके हैं और कितनी ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं। अब दिखाते हैं क्वाइन एक्सेप्टर किस तरह वर्क करता है। देखिए यहाँ पे क्रेडिट है 4715 रुपए, हम यहाँ पे जो है 10 का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का इसके अंदर क्वाइन एक्सेप्टर में डालेंगे। यहाँ हमने 10 का सिक्का डाला और यहाँ देखिए 4725 रुपए इसने खुद ही ऐड कर दिया, उसने सेंस भी कर लिया कि 10 का सिक्का इसके अंदर गया है। अब मैं यहाँ पे आपको डाल के दिखाऊंगा 5 का सिक्का, ये 5 का सिक्का मैंने इसके अंदर डाला और ये देखिए यहाँ पे हो गए 4730 रुपए। मतलब इसने 5 रुपीज भी डिटेक्ट कर लिए कि 5 का सिक्का आया है। इसमें अगर कोई क्वाइन ये अगर एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसमें जो है 5 रुपीज का पतला वाला क्वाइन जो है एक नया आया है, तो ये अभी इसको एक्सेप्ट नहीं करता है क्योंकि इसका बहुत लाइट वेट है, तो इसकी वजह से ये क्वाइन जो है आपको यहाँ से रिटर्न मिल जाएगा और यहाँ पे कोई कैलकुलेशन में नहीं आएगा। वो चीज़ भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने आपको इसमें क्वाइन डाला
और ये क्वाइन यहाँ से रिटर्न आ गया, फॉरन रिटर्न आ गया, तो फॉरन रिटर्न आ गया। और यहाँ पे भी देखिए क्रेडिट वही का वही 4730 रुपए है, 4730 रुपए। मतलब ये अभी इस क्वाइन पे वर्क नहीं करती, जो क्वाइन ये एक्सेप्ट नहीं करेगी उनको रिटर्न कर देगी, वरना 10.5 के इजीली ये एक्सेप्ट कर लेती है जी। और दूसरी बात, जो भी नोट आपका, अगर कोई बेकार नोट आपने डाल दिया या फटा पुराना कुछ नोट हुआ, वो अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ तो वो भी नोट यहाँ से वापस आ जाएगा, रिटर्न आ जाएगा, यहीं से रिटर्न आ जाएगा, आपके क्रेडिट में नहीं शो होगा। ये पूरी मतलब पूरा सेंसर इसमें लगा हुआ है, मशीन में सारी चीज़ सेंस करती है, उसी के हिसाब से जब आप यहाँ पे, हमने ये बटन्स दिए हुए हैं ऑलरेडी, ये प्री सेट हैं, ये 40 रुपीज़ के लिए, ये 80 रुपीज़ के लिए, ये 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर के लिए, 1 लीटर 2 लीटर के अलावा मनी के हिसाब से चाहिए तो आप यहाँ पे अपना 100 रुपीज़ डालिए, उसके हिसाब से कैलकुलेट करके आपको मशीन जो है मिल्क प्रोवाइड कर देगी। ये मशीन जो है वेरियस कैपेसिटीज़ में हम लोग बनाते हैं, 50 लीटर 100 लीटर 150 लीटर 200 लीटर 250 लीटर से लेके ये आप 1000 लीटर 2000 लीटर तक हमसे मैन्युफैक्चरिंग करा सकते हैं अपने हिसाब से, मतलब कस्टमाइज करके बनवा सकते हैं जी बिल्कुल। इसमें लीटर कैपेसिटी जो होती है वो मिल्क होल्डिंग कैपेसिटी होती है, मतलब 50 लीटर वाली मिल्क मशीन में आप 50 लीटर मिल्क होल्ड कर सकते हैं, मतलब स्टोर कर सकते हैं। हाँ जी, स्टोर कर सकते हैं। इसके जो फीचर्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो टैंक रहता है वो कूलिंग टैंक रहता है, जो आपके मिल्क को 3 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में स्टोर करेगा, टेम्परेचर पर स्टोर करेगा। इसमें कंप्रेसर हम लोग लगाते हैं, क्लोसर का कंप्रेसर होता है, और वो आपके मिल्क को जो है ख़राब होने से रोकता है। इसमें यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोलर लगा हुआ है, जिससे आप टेम्परेचर जो है आप अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपको और माइनस में टेम्परेचर चाहिए, माइनस में, तो आप माइनस में भी सेट कर सकते हैं। ये इसका जो है टैंक है, होल्डिंग कैपेसिटी टैंक। इस टैंक में हमने एजिटेटर लगाया हुआ है, जो एजिटेटर मिल्क को रोटेट करता है। अच्छा। मतलब घुमाता रहता है मिल्क को, तो वो उससे उसका फ़ायदा ये है कि मिल्क एक तो ख़राब होने से बचता है, और सारे पूरे दूध की एक ही टेम्परेचर रहता है, ऐसा नहीं है कि नीचे अलग जो टेम्परेचर है ऊपर ठंडा रहेगा ऊपर गर्म हो जाएगा, तो उससे दूध खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरा, जब आपका मिल्क इसमें खत्म हो जाए तो उसके लिए हमने इसमें वॉशिंग सिस्टम दिया हुआ है। इसमें एक टैंक लगाया हुआ है, वाटर टैंक, उसमें हीटर लगा है, वाटर को हीट करके गर्म पानी करके मोटर के द्वारा, ये पाइप है पीछे सिस्टम, और इसमें ऊपर शॉवर लगा हुआ है जो प्रॉपर चारों तरफ जो है गर्म पानी का छिड़काव करेगा। तो दूध ख़त्म होने के बाद क्या होता है, अक्सर अगर आप उसमें फ्रेश दूध दोबारा डाल दोगे तो उसमें स्मेल के चांसेस, दूध फटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो दूध ख़त्म होने के बाद एक बार इसको, मशीन को वॉश कर सकते हैं हम लोग। इसमें पूरा वॉशिंग सिस्टम दिया हुआ है ऑटोमेटिक विद हीटर के साथ, आप गर्म पानी करके मोटर ऑन कर दीजिए, खुद ही पानी ऊपर जाएगा, शॉवर से पूरा चारों तरफ पानी जो है स्प्रेड हो जाएगा और वो उसकी वॉशिंग हो जाएगी। पूरी क्लीनिंग करने के बाद आप ये इस नोजल से अपना वेस्ट बाहर निकाल सकते हैं। ये नोजल हमने दिया हुआ है बाहर वेस्ट निकालने के लिए। उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन पे क्लिक करें। ऐसे ही बिजनेस रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू।